हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का व्लॉग, मैं लास्ट व्लॉग जहाँ से मैंने ख़त्म करा था वहीं से शुरू कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आई हूँ ससुराल से। सुबह आई थी मैं 7 बजे और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मेरी हुई है अभी मॉर्निंग। और अभी हस्बैंड नहीं उठे हैं, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है। मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू करा है और ये है मेरा आज का न्यू व्लॉग। जो लास्ट नाइट का जो व्लॉग था वो अलग है और आज का व्लॉग मैं अलग जो है अपलोड करूँगी। तो अभी टाइम आप देख सकते हैं कि 5 बज रहे हैं और अभी मैं नाश्ता करके फ्री हुई हूँ। और आज हमें जाना है किसी के घर दावत में, तो हम कहाँ जाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। अच्छा जी, अभी जो है हस्बैंड उठ गए हैं और मैं जब तक ये बेडशीट वगैरह सब सेट कर लेती हूँ, आपको टाइम दिखा देती हूँ कि अभी हस्बैंड उठे हैं 7:45 बजे और मैं भी जैसे लेट गई थी, फिर उनको उठाते उठाते तो बस मैं जल्दी से जो है बेड सेट कर लेती हूँ अपना। वो सब साइड टेबल्स वगैरह जो सेट करनी है वो कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो बताती हूँ मैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। तो ये है कि पहले ज़रा काम कर लें, फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा, क्लीनिंग जो है मैंने ऑलरेडी कर चुकी थी क्योंकि मेरा घर इतना गंदा होता भी नहीं है। संडे को अगर था नहीं, बस सिर्फ ये साइड टेबल्स और ये बेड ही होता है, तो बस इसे करते हैं क्लीन और फिर मिलते हैं आपसे। वही है मेरी बेड की सेटिंग डन, साइड टेबल से मैंने दोनों क्लीन कर दी हैं और बस अब हस्बैंड आ जाए, मैं हस्बैंड को दे देती हूँ चाय, उसके बाद तो फिर होते हैं रेडी। अभी जी हस्बैंड उठ गए हैं, मैंने उनको दी है चाय और वो लेकर आए थे इसे क्या कहते हैं, पानी वाले पकोड़े, पानी वाली फुलकियाँ, ये वो लेकर आए थे। तो अभी हम लोगों ने वो खाई हैं और अभी ये चाय पी रहे हैं और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ रेडी होने, फिर हमें निकलना है। चलें चलें। ये रहा मेरा मेकअप और ड्रेस, बस मैंने कल पहना था मैं वही पहन लूँगी। मेकअप पे जल्दी से हो जाते हैं रेडी यहाँ पे और फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे जी हम लोग हो गए हैं रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं आज मामा के घर क्योंकि मेरे भाई की, मैंने आपको दिखा आप लोगों के साथ शेयर किया था बर्थडे व्लॉग, तो उसमें हमारा डिनर नहीं था। तो फिर मामा ने डिनर का आज प्लान किया है संडे को, क्योंकि संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड का होता है ऑफ, तो इसलिए फिर वो डिनर हमारा ड्यू था तो वो आज प्लान हुआ है, तो इसलिए हम जा रहे हैं डिनर पे। यही चलें, आ जाएं आप, तो लेट्स गो, हम चल के मिलते हैं। हाँ बुला दो। हैं कहाँ पे? हाँ पीछे वाले जो है ना, ब्राउन वाले, वो वाले। क्या दे रहा है भाई? दे रहा सो जी फाइनली हम लोग आ गए हैं मामा के घर और ये संडे था हमारा दावत का। और अब चलते हैं ऊपर। लास्ट नाइट हम लोग गए थे ससुराल, मैं गई थी अपने ससुराल और आ जाई हूँ मैं अपने मैके, क्योंकि दोनों जगह को अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो बस अब चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं कि आज डिनर में क्या है। क्योंकि अच्छा हुआ ऐसा था कि मामा ने ना प्लान किया हुआ था पहले से ही कि उन्हें ना मतलब डिनर अरेंज करना है, लेकिन जो रेसिपी उन्होंने बनाई थी वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी और बहुत ज़्यादा यूनिक रेसिपी थी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि रेसिपी क्या है। अभी बस हम सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं क्योंकि वीक डेज़ में हम लोग सब इकट्ठा नहीं बैठ सकते क्योंकि हस्बैंड होते हैं ऑफिस और भाई भी कहीं कभी अपने दोस्तों के पास गए हुए होते हैं, उनका भी अपना मतलब चलता है आना जाना बाहर का, तो जिसकी वजह से हम लोग एक साथ बैठ के बातें नहीं कर सकते। संडे वो वाहिद दिन है जब अगर हम लोग बैठते हैं तो फिर हम लोगों के पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए। और अब चलते हैं, देखते हैं डिनर। यहाँ पे मामा ने बनाए थे राइस प्लेटर, बारबेक्यू राइस प्लेटर है ये, बीफ का। मैं चिकन का भी बनाती हूँ लेकिन ये बहुत डिफरेंट है, मैं चाइनीज़ स्टाइल में बनाती हूँ लेकिन मामा ने काबली पुलाव के स्टाइल में बनाया था इसको, जो कि बहुत मज़े का था। अब हम यहाँ पे अपना प्लेटर कर रहे हैं रेडी,
नीचे काबली पुलाव है जो किशमिश और जिसमें गाजर डली हुई है, और ऊपर कुछ सौते जो है मम्मा ने वेजिटेबल सौते करी थी जिसमें गाजर है और शिमला मिर्च है, गोभी है, और उसके ऊपर हम ये डाल रहे हैं बीफ की बोटियाँ जिनको मम्मा ने बहुत मज़ेदार से मसालों के साथ बनाया है, खूब बारबेक्यू तरीके से, बहुत यम बना था ये, बहुत अच्छा था, बहुत डिलीशियस था इसका टेस्ट। तो मम्मा ने सोचा, उनका ना प्लान था कि हमें ना आज ये बनाऊंगी, और फिर उन्होंने सोचा संडे भी है तो फिर हमारे पास आ गई कॉल दोपहर में दावत के लिए कि आप लोग भी आ जाइएगा, तो फिर इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे, क्योंकि आज वैसे भी हस्बैंड फ्री थे और हम लोग मामा के वहाँ भाई की बर्थडे के ही गए हुए थे, तो सोचा कि चलें चलते हैं और आप हम इंजॉय करते हैं अपना तो हम डिनर। लोग आ गए हैं वापसी, और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कि टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो बस हम लोग आ गए हैं अब वहाँ से वापस, और हस्बैंड गए हैं अपने फ्रेंड्स के पास बाहर। जब वो आएंगे तो फिर हम लोग ये है कि आज हमारी होगी मूवी नाइट। हस्बैंड आ गए थे और वो आते हुए कुछ केक वगैरह लेकर आए थे। अब मैंने यहाँ पर बना ली है चाय और अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं रात के और हम पी रहे हैं चाय। वैसे मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करना था लेकिन पीछे मूवी चल रही थी तो उसमें जो है म्यूज़िक वगैरह काफ़ी था, तो इसलिए फिर मुझे इसमें वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पे ये कुछ केक्स हैं और मैंने चाय बनाई है, सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनाई है क्योंकि मेरा दिल नहीं था। हम लोगों ने थोड़ी सी लेट चाय पी थी शाम में, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हस्बैंड थोड़ा सा लेट उठे थे। और ये चल रही है हमारी मूवी, हम लोग इंग्लिश मूवी ही ज़्यादातर देखते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगर आप लोग को पता है तो लाइफस्टाइल विद यमन ने एक गिव अवे रखा था, तो आई पार्टिसिपेट इन इट एंड आई वॉन अल्हम्दुलिल्लाह। सो इनके गिफ्ट में थे 6 ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो द फर्स्ट वन इज़ फिट मीस फाउंडेशन फ्रॉम नॉर्मल टू ऑयली स्किन, एंड द सेकेंड वन इज़ विक्टोरिया सीक्रेट्स वेलवेट मैट प्राइमर, एंड द थर्ड थिंग इज मेबिलाइन फिट मी मेबिलाइन कंसीलर इन द शेड 35, एंड हियर इज द इनसाइड लुक ऑफ इट। सो गाइज, द फोर्थ थिंग वॉज फिट मीज कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड जो फिफ्थ चीज़ है वो है बायो एक्वा की हैंड क्रीम, लेकिन ये आपको ब्लू लग रही है लेकिन इट्स एक्चुअली पिंक, के फिल्टर की वजह से ब्लू लग रही है, ये ग्रेप फ्रूट फ्लेवर में है। And this is a highlighter and this is the last product. So this is the concealer shade which is perfect for all skin, or this is foundation shade. और गाइस, ये कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है फिट मी का, बिकॉज इट्स ऑयल कंट्रोल और मेरी बहुत ज़्यादा ऑयल स्किन है, सो दिस इज़ परफेक्ट। एंड गाइस, ऑल द प्रोडक्ट्स आर 100% ओरिजिनल। सो दिस इज़ द लिक्विड हाईलाइटर एंड इन द शेड 6, एंड इट हैज़ अ रियली प्रिटी शेड, लेट मी जस्ट ब्लेंड इट आउट फॉर यू ऑल। सो गाइस, इसका रोज गोल्ड शेड है और ये बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच लाइफ स्टाइल विद यमन, अल्लाह हाफिज़।